पैसा मांगने की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, चुप रहने की भी एक हद होती है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तो आइए जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देयर इज ए लिमिट ऑफ। इसका हिंदी मतलब होता है कि हद होती है या फिर कि सीमा होती है। और अगर हमें कहना हो कि भी हद होती है या कि भी सीमा होती है, तब हम सेंटेंस के लास्ट में टू यानी कि TOO का यूज करते हैं। आइए इसका रूल देखते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम जिस रूल का यूज करते हैं वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा देयर इज ए लिमिट ऑफ, उसके बाद आएगा नाउन या फिर वर्ब की ing फॉर्म। यदि वर्ब है तो वर्ब में ing लगेगा और यदि नाउन है तो फिर नाउन आएगा और लास्ट में आएगा TOO। यानी कि यदि सेंटेंस में भी आता है तब हम TOO का यूज करेंगे सेंटेंस के लास्ट में, और यदि भी शब्द नहीं आएगा तब हम TOO का यूज नहीं करेंगे। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तो इसकी इंग्लिश होगी There is a limit of lying too। या फिर हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं There is a limit of telling a lie too। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। There is a limit of tolerating too। अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हर चीज की एक हद होती है। तो इसकी इंग्लिश होगी There is a limit of everything। और अगर हमें इसी सेंटेंस को इस तरह कहना हो जैसे कि हर चीज़ की भी एक हद होती है, तो इसकी इंग्लिश होगी There is a limit of everything too। अगला सेंटेंस ये रहा, चुप रहने की भी एक हद होती है। तो इसकी इंग्लिश होगी There is a limit of being silent too। अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बोलने की भी एक सीमा होती है या फिर बोलने की भी एक हद होती है। तो इसकी इंग्लिश होगी There is a limit of speaking too। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल चलाने की भी एक हद होती है। तो इसकी इंग्लिश होगी There is a limit of operating a mobile too। अब एक सेंटेंस आपके लिए, इसकी इंग्लिश बनाकर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये रहा वो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर, पैसा मांगने की भी एक हद होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।